हेलो, नमस्ते, वेलकम टू फूडी मैन किचन। मैं शेफ प्रेम आप सभी का स्वागत करता हूँ फूडी मैन किचन में। आज मैं बनाने वाला हूँ पिंक सॉस पास्ता। चलिए बनाते हैं। पास्ता पूरी दुनिया में सबको पसंद आता है। सबने अपने अपने चेंजेस किए हैं। अपनी ही एक फ्लेवर की सॉस बनाए और उसमें पास्ता को पकाया। तो आज मैं ऐसे ही आपको पिंक सॉस पास्ता का रेसिपी बताता हूँ। एक पैन में हम पानी गरम करेंगे, साथ ही एक चम्मच नमक, दो चम्मच तेल, फिर इसमें डालेंगे 150 ग्राम फारफेले पास्ता। 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल, चॉप किए हुए लहसुन, 2 मीडियम प्याज चॉप किए हुए। इसे अच्छे से मिलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी, इसे अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें डालेंगे 150 ग्राम पास्ता। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच केचप, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कॉर्न, 1/2 कप कैप्सिकम, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, फिर 1 चम्मच ओरिगैनो, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप क्रीम, इसे अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हो गया रेडी हमारा इंडियन स्टाइल पिंक सॉस पास्ता। तो आज ही आप अपने घर पे बनाओ पिंक सॉस पास्ता। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।